अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। बजट 2017-18 केपीके का बजट इस वक्त जारी है, स्पीच हो रही है और वज़ीर ख़जाना जो हैं वो केपीके के सूबाई वज़ीर जो हैं वो इस वक्त स्पीच दे रहे हैं नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में। और अब देखना ये होगा कि जो कोटेशंस हम तक मौसूल हो रही हैं जिसके बारे में बात की जा रही है कि जो बजट है केपीके का कहा जा रहा है जो 603 अरब रुपये का इन्होंने जो है वो टारगेट रखा है और डिफरेंट सेक्टर्स पर और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स पर जो है वो मुख्तस किया गया है। ग्रेजुअली बजट के जो नंबर्स हैं वो मेजर सम तक आते रहेंगे, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं मियां जाहिद हुसैन साहब, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान बिजनेसमैन एंड इंटेलेक्चुअल फोरम के। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। और इनके साथ इनके हमरा बिल्कुल मौजूद हैं सरदार शौकत पोपलज़ई साहब, प्रेसिडेंट हैं बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम के। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सबसे पहले मियाँ साहब की तरफ आऊँगा मैं। मियाँ साहब, बजट आपने कैसा देखा? फेडरल बजट प्लस उसमें अब केपीके का बजट जो आउटले रखा गया है 603 अरब रुपए का जो मुख्तस किया गया है वज़ीर ख़जाना ने, क्या लगता है कि जो इनकी परफॉर्मेंस गुज़िश्ता साल रही जो 3 से 4 साल गुजरे और अब किस हद तक जो है केपीके की जो ये प्रोविंशियल चेंज कहा गया, एक अलग तमाम सूबों से हटकर इस सूबे को देखा गया जो बात की गई, आप क्या समझते हैं सर? बहुत शुक्रिया जनाब, आपने यहाँ पे हमें इनवाइट किया। जहाँ तक केपीके के बजट का ताल्लुक़ है तो केपीके की इस हवाले से भी एक इनफरादी हैसियत है कि ये सूबा जो है ये पहले दहशतगर्दी का शिकार रहा है बहुत ज़्यादा, और अब गुज़िश्ता कुछ सालों से इसमें सूरत हाल जो है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से उसमें ख़ासा फ़र्क आया है। तो पहले ये सूबा जो है पिछले 15-20 साल 25 साल इसमें मुस्तकिल दहशतगर्दी के हवाले से, क्योंकि रोज़ाना ही उसमें धमाके होते थे और ख़ुदकुश धमाके और इस तरीके से कैजुअलिटीज़ का होना, तो ये एक बहुत बड़ा सोरिंग इशू था। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ये दूसरे हवाले से भी एक इसमें अहम बात है सूबा केपीके की, कि जो गवर्नमेंट है वो पीटीआई की है वहाँ पे, जो के कहते हैं कि जी हम नया पाकिस्तान बनाएंगे और हम उसमें तब्दीली लाएंगे, तो तब्दीली का नारा चूँकि लगा कर वो आए तो डेफिनेटली ये उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा भी है। तो उस हवाले से अगर हम देखते हैं केपीके की जो परफॉर्मेंस है, और तो ज़्यादा उसको हमें ज़रा हाई स्टैंडर्ड्स पर उसको देखना पड़ता है। तो बात यह है कि अब उनका जो बजट है जैसे हम देख रहे हैं कि 603 बिलियन रुपए का है, पिछले साल यही 505 बिलियन का था, तो इस साल इसमें तकरीबन कोई 58 बिलियन की तकरीबन एक सॉरी 98 बिलियन की उसमें कुछ इजाफा हुआ है। इसी तरह करंट एक्सपेंडिचर को अगर देखें जो वहाँ की गवर्नमेंट के जो अपने एक्सपेंडिचर हैं तो 396 बिलियन के हैं, जबकि पिछले साल 344 बिलियन के थे। अब इस सारे में अगर हम देखते हैं तो जो डेवलपमेंट प्रोग्राम का साइज़ है वो बड़ा टाइनी है, वो है 47 बिलियन का, ठीक है, और पिछले साल 36 का था। सही है। अच्छा, अब इसमें जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो होगा ADB, वो 208 बिलियन का है। सही। तो अब पूरा बजट इनका जो है वो 603 का अगर है और उसमें से 208 यानी जितने भी तरक्याती काम होने हैं इनको, वो जो फेडरल गवर्नमेंट से पैसे आने वो उससे होने, और इनका जो अपना उसमें जो बजट है डेवलपमेंट के हवाले से, अब उसमें मेट्रो का इन्होंने रखे हैं को 52 बिलियन, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के मनोने मिन्नत है, उससे मेट्रो बनेगी। और मेट्रो का भी जो इन्होंने आगाज़ किया है अपने 5 साल के पीरियड में, वो चौथे साल गालबन उसका आगाज़ ये किया है और अभी वो शुरू करने लगे हैं। तो अब ज़रूरत इस चीज़ की है अब कि इनको जो चाहिए था, मैंने पूरे बजट में जो देखा है अभी तक जितनी चीज़ें रिवील हुई हैं, एग्रीकल्चर में बहुत कम पैसे इन्होंने रखे हैं, कोई किसान पैकेज के हवाले से या कोई चीज़ एग्रीकल्चर जो होता है ना एक जंप स्टार्ट देने के लिए, तो उसमें कोई बड़ा कोई चीज़ इसमें कोई हमें इनकलाबी तब्दीली जो है एक नए पाकिस्तान के हवाले से वो नज़र नहीं आ रही। इसी तरीके से यूथ के हवाले से, क्योंकि PTI का जो पूरा जो वोट बैंक है वो यूथ के हवाले से है और वो यूथ को टारगेट करते हैं और यूथ उन्हें सपोर्ट भी करता है, तो यूथ के हवाले से बजट में कोई ऐसी कोई खातर ख्वाह कोई चीज़ नज़र नहीं आई। अगर हम एजुकेशन के हवाले से देखते हैं तो बजट का 3% है उसमें जी, और हेल्थ के हवाले से देखते हैं तो 2% है। सही। तो यूथ के हवाले से हम समझते हैं कि कोई ना कोई ऐसी होनी चाहिए थी कि जिसमें जो जंप स्टार्ट देते, तालीम के लिए बताया जा रहा है 1 अरब और 85 करोड़ मुख्तस किए गए जी, मेरे, जो मेरे पास हैं शायद गलत हो फिगर, अभी पूरे सही ना हो,
तो वो प्री बजट वाली जो फिगर्स होंगी गालिबन वो आपके अभी पास तो वही है हमारे पास। स्पीच में तो अभी उन्होंने खुद ये बात कोट की है, जी हमने खसूसी तालीम जो है 1 अरब 85 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। मैं सरदार साहब आपकी तरफ आऊँगा, कितना आप इनकी जाहिर साहब की बात को अग्री और डिसअग्री करेंगे? के पी के का अपना स्ट्रेटजी क्या है? के पी के का बजट भी आ रहा है उनके प्रोविंस का, और लॉ एंड ऑर्डर की जाहिर साहब ने बात रखी, तो लॉ एंड ऑर्डर जो है के पी के ने नहीं सॉर्ट आउट किया, ये 3 साल पहले आपको पता था जो एक्स हमारे रिटायर्ड आर्मी चीफ के थे राहिल शरीफ साहब, उनने ऑपरेशन करवाया ज़रब अज़ब के थ्रू, एक बड़ा एडवांटेज और एज हासिल हुआ गवर्नमेंट जो के पी के की गवर्नेंस है उसको। व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू सरदार साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ एंड ऑर्डर तो मेरे ख्याल है सिर्फ अगर के पी के अपने शोल्डर पर ले कि उन्होंने सफ़र किया है तो इट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट। मेरे ख्याल सारे सूबे जो हैं वो अफेक्टेड रहे हैं, पर्टिकुलरली हमारा अपना बलूचिस्तान सूबा इससे इम्पेक्ट उस पर रहा है। बहरहाल क्योंकि के पी के आपको पता है फ्री एरियाज़ भी कुछ हैं जैसे साउथ वज़ीरिस्तान नॉर्थ वज़ीरिस्तान, इनके उस पर फेडरल गवर्नमेंट का भी इनपुट काफ़ी रहा है और इनका भी इनपुट रहा। तो प्राइमरली जो चीज़ों पे मैंने इस बजट में देखा उनके थर्स जो है वो एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर है जी, और एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर बज़ाहिरन हो सकता है आप एग्री ना करें लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स रही हैं उसमें ये बताया गया कि इन्होंने बड़ा प्रोग्रेसिवली उसके ऊपर काम किया दो एरियाज़ में। अब उनके ऊपर इनका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट जो है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का क्या रहा, एक चीज़ जो मैं ये तो रवायती वो एरियाज़ हैं जिनको हम डिस्कस करें, वेरी राइट। एक चीज़ जो मैं अर्ज़ करूँगा कि अभी तक 3 सूबों ने, आज ये तीसरे सूबे ने भी, एक रह गया बलूचिस्तान जो फ्राइडे को करेगा, इन्होंने एक चीज़ इग्नोर की है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है सीपैक। फेडरल गवर्नमेंट ने बड़ा माइनर सा उन्होंने एक आपको शॉट दिया कि जी हम लोग सीपैक के ऊपर इतना पैसा खर्च करेंगे। 3 महीने से एक ही नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं जी। अब ये मैं हैरान हूँ कि अभी केपीके के चीफ मिनिस्टर खुद 2 दफ़ा चाइना गए, जैसे पंजाब की जो मेट्रो लाइन है वो चाइना फंडिंग कर रहा है अंडर सीपैक। तो ये मैं जी समझ में नहीं आया, अभी मियाँ साहब ने फरमाया कि जी वो जो मेट्रो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक फंड करेगा, तो ये अंडर सीपैक क्या नहीं हो सकता था? बहुत से देखें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं और माइनिंग खास जो है जो मेन सेक्टर्स हैं जो मेन पोटेंशियल है उनके अंदर, ये क्या जैसे अर्ली हार्वेस्ट फेडरल गवर्नमेंट ने $36 बिलियन सीपैक के अर्ली हार्वेस्ट एनर्जी में दे दिए, क्या ये केपीके में नहीं लग सकते? ये जो हिडन चीज़ें देखिए, ये तो रवायतन आप वो ऑन द बुक बता रहे हैं कि जी हम एजुकेशन में ये, हेल्थ में ये, रोड में ये, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एडीबी एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, ये जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जिसमें प्रोस्पेक्ट्स हैं, पोटेंशियल हैं कि अवामोन्नास या बिजनेस कम्यूनिटी या इकोनॉमिक कम्यूनिटी उससे क्या फ़ायदा उठा सकती, वो किसी भी तीनों सूबे ने उसको एक्सप्रेस नहीं किया, मेंशन नहीं किया। सीपैक को इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है, चीज़ों को इतना हाइड रखा गया है, गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स मीडिया पे कुछ डिफरेंट बातें करते हैं, बिहाइंड द मीडिया बिहाइंड द कैमरा उनकी बातें मुख्तलिफ होती हैं, न्यूज़ लीक हम सीपैक से मुतालिक एक पूरा लीक्स का जो कंट्रोवर्शियल ड्राफ्ट आता है एक चैनल के थ्रू हम वो अलग देखते हैं, तो इतने मामला समझ में आ रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रहे हैं हम सीपैक को लेकर? नहीं बिल्कुल हो रहा होगा, लेकिन मेरा अब क्वेश्चन है कि अब तो चारों सूबों के वज़ीर आला ऑन बोर्ड हैं, अब तो वो जाते हैं चाइना, तो अब चलें फेडरल गवर्नमेंट छुपा रही है तो यही उनसे पूछ लें, चाइनीज से पूछ लें, फेडरल गवर्नमेंट से पूछ के आवाम को ये बताएं कि एक्चुअली व्हाट सीपैक इज। बहरहाल वट एवर इज़ दैट्स अ डिफरेंट केस, लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँ कि केपीके का बड़ा हार्श इन्वायरमेंट है बिकॉज ऑफ ट्राइबल एरियाज़, बिल्कुल, तो उनको बजटरी प्रोविजंस में मिनिमम भी मैं समझता हूँ कि 20% एरिया जो केपीके का है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो फंड करती है जो ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है 20% वो 20% के करीब, क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है जो उनको फंडिंग करती है, ठीक है। तो उसके बावजूद भी अगर किसी चीज़ में कमी रहती है तो फिर 5 साल पूरे होने को हैं पीटीआई की और विफाक की तरफ नजरें
نظریں ہیں اور وفاق کے اوپر کرٹیسزم بھی ہے. ہاں بالکل ہے. ٹھیک ہے سردار صاحب نے بہت زبردست پوائنٹ ریز کیا کہ چار سال کی پرفارمنس میں کچھ بہتر نتائج نہیں ملے اور پانچ سال اگلے دیکھ رہے ہیں وہ بھی وفاق کی طرف سے. زاہد صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اسپیچ کے دوران جو مظفر صاحب ہیں جو اناؤنس کر رہے ہیں بجٹ, سب سے زیادہ جو پیسہ جو ہم نے ابھی دیکھا ہے ابھی تک کی رپورٹ کے مطابق شعبہ صحت کے لیے 49 ارب 27 کروڑ روپئے مختص کیے گئے ہیں. 49 کیا لگتا ہے آپ کو اتنا زیادہ سر اماؤنٹ انہوں نے شعبہ صحت کے لیے دے دیا, کس طریقے سے یہ یوٹیلائز کریں گے, کیا سیریس پرابلم ہے کے پی کے میں ہیلتھ کے ایشوز کو لے کے؟ دیکھیں ہیلتھ کے ایشوز کو لے کے تو پورے پاکستان میں بڑی سیریس کنڈیشن ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہیلتھ ہے یا ایجوکیشن ہے اس کے اوپر تو پورے پاکستان کی ڈیمانڈ ہے کہ اس میں میکسیمم بجٹس انکر کرنے چاہیے. تو انہوں نے اگر آپ جیسے بتا رہے ہیں 50 ارب لیکن 49 ارب, لیکن میرے پاس جو فگر ہیں وہ ہیلتھ پہ ہیں 12 ارب کے, 12 ارب جی ہاں, اور ایجوکیشن پہ ہیں 20.32 کے, اور پچھلے سال جو ہیلتھ پہ تھا وہ تھا 19 ارب 52 کروڑ روپیہ. تو پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اور ہیلتھ کو ملا کے کچھ 17 ارب جو میرے پاس فگرز ہیں. اب اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہرحال جو بھی انہوں نے کیا ہے اس میں بہت زیادہ ہونے کی ضرورت ہے. اگر انہوں نے اچھا کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, اس کے اثرات بھی نظر آنے چاہیے. جیسے کے پی کے میں ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے پولیس پہ پیسے خرچ کیے ہیں, اس کا لا بھی صحیح بنایا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ سننے میں آتا ہے کہ کے پی کے میں پولیس کی پرفارمنس بہتر ہوئی ہے. اچھا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ضرب عزم نو ڈاؤٹ کے انہوں نے سر یہ بگیسٹ ایڈوانٹیج رہا کے پی کے گورنمنٹ کو, جی بگیسٹ ایڈوانٹیج بالکل رہا انہوں نے, لیکن بات یہ ہے کہ اس میں جو ضرب عزم کے حوالے سے جو اچیومنٹس ہوئیں اس کے اثرات ہوں گے, ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا کہ وہاں لا اینڈ آرڈر بہتر ہوا لیکن وہاں پولیس کی پرفارمنس. اچھا زاہد صاحب ایک بنیادی سوال رکھوں گا, کے پی کے پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے واضح موقف رہا ہے کوئی بھی پولیٹیکل کیمپین ہو, پولیٹیکل مارکیٹنگ ہو, الیکشن کیمپین ہو, الیکشن مارکیٹنگ ہو, سوشل میڈیا کی کیمپین ہو, چینج کی بات کرتے ہیں, نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں. آپ ڈرامیٹکلی آپ مجھے ذرا یہ کمپیئر کر کے بتائیے کہ ان سے پہلے ہم نے کوئی خاطر خواہ چینجز نہیں دیکھیں کے پی کے میں. کے پی کے کا جو صوبہ ہے وہ تینوں صوبوں سے خاصا مختلف رہا, ایجوکیشن کے حوالے سے, آپ کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے, جو وہاں کے نیشن ہیں, وہاں کے لوگ ہیں, رہائشی ہیں, دے آر ڈفرینٹ, ان کا براڈ اباؤٹ ڈفرینٹ ہوا ہے. تو عمران خان اور پی ٹی آئی اور کے پی کے نے کیا چینجز لائے سمجھ میں نہیں آیا مجھے, ذرا وہ بتائیے. دیکھیں جہاں تک ہم چینجز کی بات کرتے ہیں ان ٹرم آف دی کلیمز آف پی ٹی آئی, ٹھیک ہے, کہ وہ جو دعوے کرتے ہیں یا کرتے تھے یا کہتے ہیں کہ جی ہم اس میں چینج کریں گے اور پورے پاکستان کو تبدیل کریں گے, اور پھر جس طرح سے وہ کرٹک ہیں باقی تمام صوبوں کی گورنمنٹس کے کہ ہمارے صوبے میں بہت بہتر ہوا ہے, تو اس حوالے سے کوئی چینج ہمیں تو نظر نہیں آیا. نہیں آیا اس حوالے سے کہ جی مثال کے طور پہ ہمیں کوئی وہاں پہ روڈ نیٹ ورک نظر آ رہا ہو, ٹھیک ہے, کہ جی انہوں نے وہاں کوئی موٹر ویز بنا دی ہوں, وہ کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی. فار ایگزامپل کوئی ان کے یہاں کوئی ایسی کوئی یونیورسٹی نکھر کے کوئی سامنے آئی ہو, جیسے شوکت خانم ہاسپٹل ایک سکسیس اسٹوری ہے نا, ایگزیکٹلی اسی طریقے سے کوئی یونیورسٹی نکھر کے ابھر کے کوئی سامنے, جیسے لمز ہے, ٹھیک ہے, یا یہاں پہ IBA ہے, تو ایسے کوئی یونیورسٹی نکھر کے یا ابھر کے سامنے آئی ہو, یا اسی طریقے سے کوئی IT پارک میں کوئی سامنے کوئی نظر آیا ہو, یا کوئی یوتھ کے حوالے سے اور کوئی اسکیمیں نظر آئی ہوں, یا فار ایگزامپل کوئی نیا کوئی ایئرپورٹ یا کوئی اس طرح کی چیزیں, ایئرپورٹ حالانکہ چلے فیڈرل سبجیکٹ ہے لیکن اس طرح کی کوئی ایسی چیز صوبائی لیول جس سے صوبائی سطح پہ ہمیں یہ فیل ہو کہ جی وہاں پہ کوئی سکسیس سٹوری ہے, سیاسی طور پہ کوئی اسٹیپ اٹھایا ہو لیکن وہ بھی نظر نہیں آیا. دیکھیں پنجاب گورنمنٹ کے پاس سیل کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, کیا ہے نا انہوں نے, انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں نے گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا, دھرنا دیا, سارے توجہ اس پہ نکالی, وہ اس پہ لگائی, لیکن جیسے پنجاب گورنمنٹ کو سیل, دیکھیں انہوں نے ابھی مثال کے طور پہ سائیوال پاور پلانٹ, جی یہ ان کو سیل کرنے کے لیے ہے نا ان کے پاس چیز, ان کے پاس سیل کرنے کے لیے مثال کے طور پہ انہوں نے کون سا پاور پلانٹ لگایا, کوئی بتائیں نا کہ جی ہم نے یہ پاور وہاں, یہ تو کہتے ہیں دیکھیں ابھی پچھلے دنوں کتنے سٹرائکس ہوئے. کتنی بات کو آپ اگری کریں گے سر, ٹرانسپیرنسی کی پی ٹی آئی بات کرتی ہے, کے پی کے کا آپ نے لیول اور پرفارمنس ٹرانسپیرنسی میں بہتر دیکھا یا نہیں؟ کیونکہ ڈیورنگ 5 ایئرز میرے خیال سیورل کیسز آئے جہاں پہ چیف منسٹر اور منسٹروں پہ وہ ایلیگیشنز لگے کہ جی انہوں نے کرپشن بھی کی اور تمام چیزیں, سسٹم پورا ویسی چل رہا ہے جیسے. سردار صاحب ایک رپورٹ آئی تھی بینک آف خیبر میں 2016 کے اینڈ میں, بڑی تعداد میں ڈپازٹ آتا ہے, کہاں سے آتا ہے کچھ نہیں پتا, جو ان کا ڈپازٹ کا گراف ہے
वो बढ़ जाता है। 2015 में बहुत कम था, 2014 में उससे भी कम था। जैसे जैसे 2014, 15, 16, 17 की तरफ हम बढ़ें तो डिपॉजिट जो है बैंक ऑफ खैबर, जो कि गवर्नमेंट का अपना प्रोविंशियल बैंक है, तो ये मामला था। आप देखें, ट्रांसपेरेंसी की बातें करते हैं, केपीके में क्या बेहतर हुआ। एक चीज़ तो मैं इनको क्रेडिट दूंगा केपीके को, कि चारों सूबों में इन्होंने सबसे ज़्यादा लीड ली टू अट्रैक्ट द फॉरेन डोनर्स। फॉरेन डोनर्स को इन्होंने, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, यूएसएड में सबसे ज़्यादा इनको, इवन पुलिस को इनको एम्पावर किया, इक्विपमेंट दिया। तो ये उस मामले में इन्होंने बड़ा कंसंट्रेट किया, कंपेयरिंग शायद इसलिए इन्होंने किया कि फेडरल गवर्नमेंट से इनको इतनी ज़्यादा सपोर्ट की उम्मीद नहीं थी। तो अंडर 18th अमेंडमेंट डेवोल्यूशन के बाद चारों सूबे बहुत एम्पावर्ड हैं कि वो फॉरेन गवर्नमेंट से एड भी ले सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक जगह कहीं अमाउंट ज़्यादा हो तो जहाँ सॉवरेन गारंटी की ज़रूरत पड़ती है फिर फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, लेकिन उसके पीछे भी अगर फॉरेन स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, फॉरेन स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, तो फेडरल गवर्नमेंट को लामहाल उनको करना पड़ता है। मेरा ख्याल है उनके कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं बहुत वेरी नियर वो मेच्योर होंगे जो पावर सेक्टर में है, तो शायद उसकी वजह से फिर इनकी प्रोग्रेस जो है, मैं आई एम नॉट श्योर क्योंकि मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है कि इलेक्शन से पहले शायद वो डिक्लेयर करें कि जी ये हमने पावर सेक्टर में या माइनिंग सेक्टर में बड़ा कमाल किया, वो किया। लेकिन जो एजुकेशन है, हेल्थ है, वो उनकी नेग्लिजेंस भी हो सकती है, लेकिन उनकी कमज़ोरी इसलिए थी कि जो बिगनिंग में बात हुई कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू रहा, तो रिमोट एरियाज़ में पहुँचना जो है वो बड़ा मुश्किल है। पंजाब जो है वो वेल एस्टेब्लिश है, उनके रूरल एरियाज़ भी जो हैं वो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हैं, तो केपीके में ये इशू है बहुत ज़्यादा। सवात एक्सप्रेस वे के लिए 30 अरब मुख्तस किए गए हैं, सवात एक्सप्रेस वे के लिए, क्या कहेंगे सर इस पर आप? नहीं, बिल्कुल, ये अब ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन अच्छा सर, इन्होंने हमेशा जो है पंजाब के मोटरवेज मेट्रो को तनकीद का निशाना बनाया। इस चक्कर में केपीके में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, उस पर काम इतना नहीं किया हमने केपीके गवर्नमेंट में देखा, व्हाट डू यू से? देखें, मैं समझता हूँ इनको एक चीज़ समझनी चाहिए कि पंजाब ने जो कुछ किया तो वो एक पुरानी कोट है ना कि क्रिटिसिज्म इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन। लामहाल पंजाब में कुछ हो रहा था कि हर टाइम ये क्रिटिसाइज़ करते थे, दैट इज़ काइंड ऑफ एन एप्रिसिएशन कि भी आपको तकलीफ़ हो रही है वो काम कर रहे हैं। इनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, इनको अपनी डायरेक्शन में जो इशू है, देखिए बहुत सा हिस्सा आपने गिलगित बल्तिस्तान अपना अलग सूबा बना दिया, तो वो भी इनके सही कंट्रोल से भी बाहर है और इनके बजट से। खुद एक चीज़ बनाएंगे फिर तनकीद दूसरे पे कैसे करेंगे, फिर जवाब में उनको भी तनकीद वाले यही बोलेंगे आप भी तो यही काम कर रहे हैं जो हम पे तनकीद कर रहे हैं। नहीं, फिर इनको नेशनलिस्ट इंटरनल प्रेशर पॉलिटिकल भी था, देखें वहाँ पे हमेशा JUI और आपकी ANP गवर्नमेंट करती रही और उनकी अभी भी फुटस्टेप्स बड़े स्ट्रांग है, तो मेरा ख्याल है इनको वो भी स्लिपरी प्लेइंग फील्ड मिली और शायद उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सके। ठीक, जाहिर साहब आपका क्या ख्याल है एग्रीकल्चर के लिए कहाँ खड़ा है केपीके, कितनी परफॉर्म की एग्रीकल्चर सेक्टर को? एग्रीकल्चर सेक्टर में मेरे ख्याल में कोई बेहतर परफॉर्मेंस नहीं है, स्टेटस को तो बहरहाल है, लेकिन ये होता है कि जी आपने कोई वहाँ पे बहुत ज़्यादा किसान खुशहाल हो गए हों, उनके लिए कोई बहुत अच्छे कोई आप पैकेज लाए हों, वहाँ आपने कोई नई प्रोडक्ट्स कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी हो, तो ऐसी कोई चीज़ वहाँ पे हमें नज़र नहीं आती। इसी तरह जो एक बहुत बड़ी चीज़ है केपीके के हवाले से वो है टूरिज़म, कि टूरिज़म से माला माल है तो वो सूबा, ठीक है। टूरिज़म के हवाले से भी कोई अगर इन्होंने कोई ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया है या कोई ऐसी चीज़ है कि टूरिज़म अथॉरिटी इनकी कोई बहुत बेहतर हो गई हो, या उन्होंने उन इलाकों को मालम जब्बा है, सवात है, नथिया गली है, उनको इन्होंने टूरिस्ट के लिए कोई बहुत अच्छी कोई ऐसी प्लेस बना दिया हो कि अब हमारे लोग बाहर जाने की बजाय बाहर से टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा हो, तो वो भी हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ऐसी गैपिंग को डिस्कस किया, इस पे इतना ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्रोविंशियल गवर्नमेंट कमा सकती है, वी नेवर नो, अगर सीरियस होकर काम किया जाए, बहुत ज्यादा गैपिंग है इसमें। और नथिया गली जो है, मालम जब्बा वगैरह ये सारे इलाके जो है, या सवाद जो है, ये तो मतलब हेवन ऑन द अर्थ है,
तो ये सारे इलाके जो हैं, मैं समझता हूँ कि अगर इनको आप करें तो 10-12 बिलियन डॉलर साल का बड़ी आसानी से तो कमाया जा सकता है। सर ये तो हमें भी पता हो, हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि गैपिंग है, टूरिज्म पे काम कर सकते हैं, तो क्यों नहीं किया अब तक? हाँ तो उस पर काम करने, देखें जैसे मरी का तो उन्होंने मोटरवे बना दिया, इन्होंने अगर नथिया गली में कोई मोटरवे बनाया हो, नथिया गली की अप्रोच सही की हो, एबटाबाद को सही किया हो टूरिज्म के हवाले से, या मालम जब्बा है, सवात है, ये सारे इलाके। अच्छा फिर एक और चीज़ है मादनियात, मादनियात के हवाले से जो ये सूबा है केपीके बड़ा रिच सूबा है और उसमें जो मार्बल और ग्रेनाइट के जो ज़खायर हैं वो बहुत हैं। अभी बात क्या है कि अगर आप सिर्फ मार्बल इंडस्ट्री को ले लें तो यहाँ से हमारे यहाँ से खाम मार्बल निकाला जाता है, वो फिर बाहर इटली भेजा जाता है फिनिशिंग के लिए। तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि अगर हमारी केपीके की गवर्नमेंट जो है वो अगर वहाँ पर सिर्फ उसके फिनिशिंग के प्रोजेक्ट्स लगा दे कि वहाँ पर मार्बल निकाल के और उसकी प्रॉपर फिनिशिंग की जाए और फिर यहाँ से वही मार्बल जो हम खाम शक्ल में बाहर भेजते हैं वही फिनिश्ड फॉर्म में बाहर भेजा जाए तो उसमें तकरीबन 1000 times वैल्यू एडिशन हो सकती है। वैल्यू एडिशन जी, और उससे वहाँ के लोगों को कितनी खुशहाली हो सकती है और कितना रोज़गार मिल सकता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप पाकिस्तान की या केपीके के लोगों की तकदीर बदल सकते हैं कि अगर आप सिर्फ टूरिज़म और ये मार्बल और मादनियात को अगर आप सही तरीके से डिस्कवर कर लें और उसका जो पोटेंशियल है उसको सही तरीके से आप यूज़ कर लें और लोगों तक पहुंचा दें, ठीक, तो ये एक आपके लिए बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी हो सकती है। लेकिन इस ज़िमन में भी अगर हम देखते हैं तो इसमें भी हमें कोई खातर ख्वाह कोई ऐसी कोई चीज़ के जिसमें कोई टेंजिबल कोई चीज़ नज़र आ जाए तो वो भी कोई चीज़ हमें इसमें नज़र नहीं आ रही। ठीक है सरदार साहब, कितना आप इस बात को एग्री करेंगे जो टूरिज़्म है इस पर गैपिंग बहुत ज़्यादा है? अब हम लोग एक टूरिज़्म की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में इतनी बातें आ जाती हैं कि इसमें काम करने की सख्त ज़रूरत है। केपीके गवर्नमेंट ने टूरिज़्म के लिए क्या काम किया? मैं समझता हूँ उनके लिए उनके बस में नहीं था। देखें पिछले कुछ सालों से जिस किस्म की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसमें आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी पैसा लगा लें तो कोई भी टूरिस्ट आने को तैयार नहीं होगा। अब लेकिन फिर भी हिम्मत करते हैं लोग, जैसे अप कंट्री में माउंटेनियरिंग के लिए आते हैं लोग, हंटिंग के लिए आते हैं और बड़ी वैल्यू एडेड ये एरियाज़ हैं। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब डेवोल्यूशन हो गया अभी तक फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेटल नहीं हो सकी टूरिज़म के अंदर। बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे होटल है, अब होटल को टूरिज़्म की परमिशन चाहिए होती है होटल चलने, ट्रैवल एजेंट्स को टूरिज़्म की परमिशन चाहिए होती है, तो ये अभी तक लिम्बो में हैं बहुत से, इवन सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, क्यों अभी तक ये पूरा सेटल नहीं हुआ ये सेक्टर जो है टूरिज़्म का। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। आप देखें पाकिस्तान को एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेल करने के लिए कोई इदारा नहीं है जो कलेक्टिवली पाकिस्तान को प्रोजेक्ट कर सके कि बड़ा फर्टाइल लैंड है फॉर टूरिज़्म। क्यों? हमारी एयरलाइन की हालत है जो करना चाहिए एयरलाइन, रेलवे अपनी जगह है, टूरिज्म डिपार्टमेंट कोई भी नहीं, PTDC था वो ऑलमोस्ट ख़त्म, टूरिज्म मिनिस्ट्री थी फेडरल वो ख़त्म, आज सूबाई जो टूरिज़्म मिनिस्ट्रीज हैं उनकी कैपेसिटी नहीं है। तो पाकिस्तान को राइट अवे इंटरनल सिचुएशन की वजह से और फिर नॉन एग्रेसिव से कैंपेन कि आप पाकिस्तान को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन प्रमोट करें वो है नहीं, तो उसके लिए आप ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बड़ी होगी टूरिज़्म, ना मैं आगे एक्सपेक्ट करता हूं कि टूरिज़्म बढ़ेगी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूंगा मैं, अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से केपीके में आप देख रहे हैं? इंडस्ट्रीज हमने नहीं लगते हुए देखी, इतना काम नहीं हुआ, फिर भी दीगर सूबों में कुछ बेहतरी देखी बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन इज देयर, यहाँ पॉपुलेशन भी दीगर सूबों से ज़्यादा इतनी नहीं है। तो सर ये इंडस्ट्रीज़ नहीं लगना, सेक्टर्स वाइज काम ना होना, अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? अनएम्प्लॉयमेंट तो देखें आप डबल उसमें, एक तो लेबर अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर एजुकेटेड क्लास अनएम्प्लॉयमेंट है, तो लेबर का तो प्रोजेक्ट्स चले हैं वहाँ, मेरा ख्याल लोगों को कुछ यानी रोज़गार मुहैया हुआ है, लेकिन एजुकेटेड लोगों के लिए तो बिल्कुल कोई ऐसी प्रोग्रेसिव आई हैव नॉट हर्ड के कोई बहुत बाकमाल उन्होंने चीज़ की। जैसे बड़ी कंपनीज मल्टीनेशनल कंपनीज वहाँ नहीं है एज़ कम्पेयर पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में भी इवन है, केपीके में इतनी नहीं है। थोड़ा सा एटमॉस्फेयर और वेदर का भी इशू रहा हमेशा से केपीके में, और दूसरा सूरत हाल लॉ एंड ऑर्डर की वो अब बेहतर हुई है, इस्टेब्लिश होने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी केपीके को डिफरेंट कहा जाता है, वो किस एस्पेक्ट्स पे कहा जाता है? देखिए एक एक चीज़ एक बहुत इशू है, बहुत पुराना इशू है, सिर्फ इस गवर्नमेंट को हम हकीकतन में ब्लेम नहीं कर सकते,
देखिए अब इंडस्ट्री जितनी आ रही है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस जितनी हो रही है, ये बड़ी हाईटेक प्रोग्रेस हो रही है। हम लोग साइंस सब्जेक्ट में या आईटी में कोई ग्रेजुएट ज़्यादा पैदा नहीं कर रहे। अब सबसे ऊपर हमें सिचुएशन एक नई आ गई कि अब हमें लेबर भी हाईटेक चाहिए। देखें अंडर सिपेक या जो फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा है वो भी कंप्यूटराइज मशीन्स ला रहा है, कंप्यूटराइज सिस्टम ला रहा है, तो हमारे पास उस किस्म के, वो भी एक बड़ा मेजर इशू है। सेकेंडली ओवर एंड अबव, अब आप देखें पूरे, मुझे केपीके का नहीं मालूम लेकिन मैं सिंध और बलूचिस्तान का बताऊं कि इस वक्त मैसिव प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट लगी हुई है। आपने बताया, आपको मालूम है कराची यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बड़ा सेंटर क्रिएट किया जी। अब वो सिपेक की वजह से चाइनीज़ लैंग्वेज लोगों को सिखा रहे हैं। तो अब अगर आने वाले वक्त में रेलवे है जिसको चाइना बना रहा है, इंडस्ट्री है और बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना बना रहे हैं, तो यू नीड टू लर्न लैंग्वेज। एग्जैक्टली, तो उसकी कमी अपनी जगह होगी, लेकिन मैं जो हाईटेक इंडस्ट्री हाईटेक डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, सरदार साहब इस पे एक लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, थोड़ा सा ये आउट ऑफ द स्टोरी हो जाएगा, उर्दू क्यों नहीं सिखाई जा रही चाइनीज को, यहाँ के लोगों को चाइना क्यों, चाइनीज क्यों सिखाई जा रही है जब हमारे कंट्री में आके वो काम कर रहे हैं, हमारी मदर टंग उर्दू है तो उनको उर्दू सिखानी चाहिए। देखिए ये वर्ल्ड वाइड टेंडेंसी है, आप डिप्लोमेटिक या पोलिटिकल लेवल पर तो ये चीज़ कह सकते हैं कि जी मैं अपनी जैसे बॉल के बहुत से मुल्क के सरबरान हैं या हुकूमत के हेड हैं ठीक, वो अपनी ज़ुबान में बोलते हैं फिर उनकी इंटरप्रिटेशन होती है ठीक है, बट नॉट एट दी इकोनॉमिक्स लेवल। इकोनॉमिक लेवल तो आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ योर अट्रैक्शन कि जी हम आपकी ज़ुबान भी जानते हैं ठीक। अच्छा सरदार साहब वक्त ख़त्म हो गया, मैं आखिरी कमेंट जाहिर साहब का लूँगा, सर क्या आप एक्सपेक्ट करें बजट आने के बाद, उसको समझने में भी 2 दिन लग जाएंगे, बाकायदा एक एक कोटेशन की तशरीह की जाएगी और एनालिसिस किया जाएगा, तो व्हाट यू एक्सपेक्ट मोर, व्हाट नेक्स्ट? देखिए केपीके के बजट के हवाले से जब हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल में आपकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो यूथ के ऊपर है। अगर ये यूथ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, तो वो जो भी आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे तो उसमें जो लोग या बच्चे जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे उनको अगर आप आईटी की ट्रेनिंग दें और वो ये जो व्हाट्सएप और ये सारी जो ये ऐप्स होती हैं जो मोबाइल फ़ोन की स्मार्टफोन ऐप्स जो एप्लीकेशन जो होती हैं वो अगर ट्रेनिंग दी जाए और उसकी कोई इंस्टीट्यूशन वगैरह वहाँ पे बनाई जाए, लोगों को लैपटॉप वगैरह दिए जाए, तो उसके नतीजे वो में बोलेंगे ये प्राइम मिनिस्टर की कॉपी करें, कुछ भी करें जो भी, देखें अच्छे काम की कॉपी करने में कोई हर्ज नहीं, बात आप उसको और इम्प्रूव कर लें, तो बात यह है कि अगर वो आप सारे काम कर लें तो आप अपनी यूथ पे उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करके और इस तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट कर सकते हैं और वो बड़ी एक क्वालिटी रोजगार लोगों को या एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मियां जाहिद हुसैन साहब आपका, आप आए बिजनेस प्लस की इस बजट के ट्रांसमिशन में, सरदार शौकत पोपलजई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने बेहतर तरीके से केपीके के तमाम तर मैटर्स को डिस्कस किया, और आपने देखा नाज़रीन के केपीके का बजट भी अनाउंस हो गया है, वही बात है, तो हमने वो बातें की हैं जो बेसिक बातें हैं, फंडामेंटल बातें हैं, लेकिन एट द एंड कंज्यूमर की बात हम करते हैं कि कंज्यूमर को कितना सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि अब असल मामला होता है अशिया खुरनोश कीमत है जो कंज्यूमर सफ़र करता है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि अगली इनकी स्ट्रेटजी क्या होगी 17-18 के लिए और किस तरीके से सर्वाइव करेगी केपीके की जो लोग हैं वहाँ पे जो रिहायशी हैं होके उसके। बहरहाल यहाँ से रैप अप करेंगे, वाइंड अप करेंगे, बजट की जो हमारी ट्रांसमिशन है इसको भी वाइंड अप करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद 5 बजे आप देख सकेंगे हमारी रमज़ान की ट्रांसमिशन, देखते रहिए बिजनेस प्लस।